नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए जिंदगी में सफल होने की बहुत सी कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन जिस कहानी से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही उनकी कला में उनका कोई सानी है। कोई भी देश तरक्की के शिखर पर नहीं पहुंच सकता जब तक उसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। सबसे मुश्किल काम समझे जाने वाले रेल संचालन की धुरी भी महिला शक्ति बनी हुई हैं। महिला दिवस पर जी राजस्थान उन महिलाओं को सलाम कर रहा है जो आधी आबादी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और काम कर रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण की मिसाल, उत्तर पश्चिमी रेलवे का कमाल, देश का अकेला महिला संचालित स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। आज जब हमारे देश में महिलाओं को लेकर बराबरी की बातें तो होती हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण हमारे सामने बड़ा मसला नजर आता है। महिलाओं को अगर बराबर का मौका मिले तो हर मुश्किल काम भी पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं। इसकी बानगी देखनी है तो जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन चले आइए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बनाया है, जहां सभी पदों पर महिलाएं काम को बखूबी निभा रही हैं। यहां स्टेशन मास्टर से लेकर मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, टिकट संग्राहक से लेकर सफाई कर्मी तक महिलाएं ही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की जिम्मेदारी भी रेलवे सुरक्षा बल में महिला बटालियन के कंधे पर है। वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे पर 80 महिलाएं सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं। उप रेलवे के चारों मंडलों, मुख्यालय, कारखाने और भंडार डिपो के साथ ही सुरक्षा बल सहित कुल 2640 महिला रेल कर्मी यहाँ बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। हमारे यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे पॉइंट्समैन हो, बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन स्टाफ, TC/TTs और यहाँ तक कि RPF स्टाफ भी हमारे फीमेल स्टाफ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए रेल मंत्रालय ने फरवरी 2018 में गांधीनगर रेलवे स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ में सौंपी थी। तब से लेकर आज तक महिलाएं रेलवे स्टेशन का सफल संचालन कर रही हैं। शुरुआती दौर में महिलाओं को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं परिपक्व हो गई हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन अधीक्षक नीलम जाटव का दावा है कि महिलाओं के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है, महिलाएं हर काम को अच्छे से कर सकती हैं। जब हम लोग इतना हार्ड एंड टफ काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है हर महिला कर सकती है और उनको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी काम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। एज अ वुमेन आप ये सोचो कि आप वुमेन हो ये काम नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, आपको अच्छे से सिखाया जाता है, तो आप हर काम कर सकते हो। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर RPF थाने की इंचार्ज नीलू गोठवाल ने बताया कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है और ये दुनिया के सामने एक नजीर है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। बस महिलाओं को अपनी शक्ति और क्षमता पहचानने की दरकार है। 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पूर्णतया महिला स्टेशन है, तो यहाँ पे सभी ड्यूटी स्टाफ लेडीज हैं।
समस्याएं तो स्टार्टिंग में जब 2 साल पहले जब ये बना था तब समस्याएं आई थी, क्योंकि महिलाओं का ये था कि हम लोग कैसे इस चैलेंज को पार करेंगे, लेकिन अभी सब लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। तो आरपीएफ हमें मौके पे आ जाती हैं, हमें हेल्प करती हैं, उनकी सहायता से हम आराम से अपने उनसे रिकवरी करते हैं, पैसेंजर से रसीदें बन जाती हैं, ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, हमारी हेल्प के लिए हमेशा आरपीएफ रहती है। ये तो रेलवे स्टेशन संचालन की बात हुई, बात अगर ट्रेन संचालन की भी हो तो महिलाएं इसमें पीछे नहीं हैं। महिलाएं ट्रेन संचालन में भी परचम लहरा रही हैं। आगरा फोर्ट अजमेर सुपरफास्ट ट्रेन को महिला लोको पायलट द्वारा संचालित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने ट्रेन संचालक हैप्पी देवी से खास बातचीत की। आप भी इनसे रूबरू होकर महिलाओं की उभरती ताकत के गवाह बने। राजस्थान की महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो या ट्रेन चलाने की या स्पोर्ट्स में। अभी हम फिलहाल आगरा और अजमेर जाने वाली ट्रेन में मौजूद है, जिसे महिला संचालित करती है, महिला लोको पायलट है। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से आपको ट्रेन चलाने के लिए मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपको ये जागृति आई, कुछ आगे बनना है करना है। और मेन बात ये होती है, पहले था कि सपोर्ट नहीं था इतना रहता है, लेकिन आजकल इतना है कि हर जगह आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, हर जगह एजुकेशन बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में आप देख लो हर जगह प्लेन चला रही लड़कियां, ट्रेन में है ही हम, तो इस वजह से। अभी राजस्थान में महिलाएं घूंघट प्रथा से भी बाहर नहीं आ रही, चाहे चोला चौकी की बात करें, लेकिन कुछ महिलाएं आज भी मतलब बाहर निकलने से कतरा रही है। हाँ सर, ये तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आगे धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। वाकई ये मिसाल है, ये प्रेरणा है दूसरी महिलाओं के लिए और सबक है पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित समाज के लिए। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।